दीवारों में क्रैक्स गर्मी ठंडी की वजह से हर साल खुलती हैं और बंद होती हैं। केमिकल भरने से या पेंट करने से 2 से 5 साल निकलते हैं, फिर जब अंदर का पेंट या फर्नीचर खराब होता है तब पता चलता है, और फिर दोबारा वही केमिकल या पेंट लगाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। हम आपके लिए लाए हैं इसका बेहतरीन उपाय जो जिंदगी में एक ही बार करना पड़ेगा। द क्रैक्स इन वॉल्स ओपन एंड क्लोज एवरी ईयर विथ टेम्परेचर वेरिएशंस। बाई अप्लाइंग केमिकल एंड पेंट ओवर द एक्सटर्नल वॉल वी कैन मैनेज फॉर 2 to 5 years। आफ्टर दैट वी कम टू नो अगेन व्हेन द इंटरनल पेंट एंड फर्नीचर गेट्स स्पॉइल्ड एंड दिस गोज ऑन फॉर एवर। नाउ वी हैव ब्रॉट ए परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस। दीवार को साफ करके एक हाथ प्राइमर लगाना है, कोई भी पेंट का प्राइमर चलता है। क्लीन द वॉल एंड अप्लाई 1 coat ऑफ प्राइमर। एनी पेंट प्राइमर विल सर्व द पर्पस। फिर दीवार पे खुद चिपकने वाली एल्यूमिनियम मेम्ब्रेन चिपका देनी है। पहले लगी हुई मेम्ब्रेन पे 1.5 इंच का ओवरलैप करना है और चिपकाते जाना है, और अंत में इस पे कोई भी बाहर लगने वाला पेंट लगा देना है। पेंट होने के बाद मेम्ब्रेन के जॉइंट भी नहीं दिखते हैं और मेम्ब्रेन खुद भी नहीं दिखती है, और ये पेंट के ऊपर फंगस के काले दाग भी नहीं पड़ते हैं। इसीलिए ये काम जिंदगी में एक ही बार करना पड़ता है, बाद में ना वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है ना पेंट की। देन वी हैव टू पेस्ट द सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन ओवर द वॉल, कीपिंग ओवरलैप ऑफ 1-1.5 inch ओवर द प्रीवियसली पेस्टेड मेम्ब्रेन। वी हैव टू गो ऑन पेस्टिंग द फ्रेश मेम्ब्रेन एंड फाइनली एनी एक्सटर्नल पेंट कैन बी अप्लाइड ओवर द मेम्ब्रेन। आफ्टर पेंटिंग नाइदर जॉइंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन इज सीन नॉर द मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सीन। दिस पेंट बिकम्स एंटी फंगल पेंट, हैंस दिस जॉब इज टू बी डन ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। आफ्टर दिस यू विल नेवर नीड एक्सटर्नल वॉल वाटर प्रूफिंग एंड पेंटिंग, इट विल बी टोटली मेंटेनेंस फ्री।
This is the final finish after pasting the membrane and painting. This will remain maintenance free with antifungal paint forever. Member चिपकाने और पेंट करने के बाद ऐसी दिखती है और भविष्य में इसको वाटरप्रूफिंग या पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. थैंक यू.